तीन चार पांच महीना भी आटा रखोगे ना तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और इसमें डालेगा अभी नमक। पूरा दिन कार्टून देखता है। आपके बच्चे भी वैसे ही करते होंगे पूरा। यहाँ पे जो भी है ये जोमेटो का किचन है हम लोग। आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने रील्स बनाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैंने मॉर्निंग को ही शावर ले लिया है। वैसे भी मैं मॉर्निंग को ही जल्दी जल्दी शावर ले लेती हूँ और अभी नाश्ता भी कर लिया है। आज संडे है तो सब कुछ लेट लेट होता है। अभी दिन के 11 बज गए। मोस्टली मेरा काम 8 o'clock तब तक हो ही जाता है, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ है। तो ये खाली डिब्बा मैंने इसको वॉश करके अच्छे से रात को वॉश कर लिया था और इसमें पानी भी नहीं है, पूरी तरह से सूखा हुआ है। नहीं तो अगर पानी रहेगा तो वह आटा खराब हो जाएगा। इसको मैं अभी मैं डालने वाली हूँ इसमें आटा। तो आटा कैसे भरना है वो भी एक टेक्निक है जो मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया कैसे करना है। यहाँ पे आटा डाल दिया। ठीक है, और आटा अभी देखो अभी ये लूज रहेगा ना, अभी ये लूज रहेगा तो इसके अंदर हवा भरी रहेगी और जल्दी इसमें कीड़े लग जाएंगे। तो इसको इसको क्या करना है आपको कि अपने हाथों से सारे के सारे आटे को ऐसे दबा दबा के आटे को डब्बे में भरना है। इससे क्या होगा कि कभी भी इसके अंदर जो कीड़े लगते हैं ना वो कीड़े नहीं लगेंगे। आप 3, 4, 5 महीना भी आटा रखोगे ना तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। इसी तरह मसाले को भी करना है। कभी भी हम मसाले भरते हैं हल्दी या फिर चटनी या फिर नमक कुछ भी भरते हो ना, तो सारी चीजों को ऐसे दबा दबा के भरना है ताकि इसके बीच में हवा नहीं रहे। हवा नहीं रहेगी ना तो आपका जो मसाला है या फिर आटा है वो जल्दी खराब नहीं होगा। जब भी आटा आपको डब्बे में भरना है तो इसको अच्छी तरह से ऐसे अपने हाथों से पूरा ऐसे प्रेस कर करके इसको दबा के अच्छे से भरिए डब्बे में, तो ये 4-6 महीने तक अच्छे से रहेगा और इसमें कीड़ा वगैरह जो है वो नहीं लगेगा। हाय, मेरे पास एक कैमरामैन होता सच में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ मतलब प्रॉपर घर का सारा काम और ये सब कुछ पकड़ पकड़ के करो। देखो अभी मेरा स्टैंड भी टूट गया है तो वो ऊपर नीचे हो रहा है कैमरा भी। हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और अभी ये हो गया, थोड़ा सा मैंने मैश कर दिया और इसमें डालेगा अभी नमक। एक हाथ से ना सब कुछ नहीं होता। ये देखो हिल गया। मूंगफली पाउडर जो हमने पीस के रेडी किया वो तक करके देगा क्योंकि मेरे पास अभी आज टाइम नहीं है। बहुत बहुत ज्यादा काम है। आज संडे है तो वैसे भी बहुत सारी सफाई वगैरह सब रहता है। तो मैंने बोला बीच में मैंने ऐसे ही बोल दिया कि एक काम कर तो अभी बर्तन करके दे मुझे क्योंकि पूरा दिन कार्टून देखता है। आपके बच्चे भी वैसे ही करते होंगे पूरा दिन कार्टून देखते हैं। तो मैंने उसके साथ फ्रेंक किया तो बोलता है नहीं मम्मी मुझे ना याद आया मुझे ना मैथ्स का एक होमवर्क है। तो आपके बच्चे भी करते हैं आपके साथ ऐसा तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। ये पूरा अभी सामान यहाँ पे जो भी है ये जोमेटो का किचन है। हम लोग जोमेटो खेल रहे हैं और भैया अभी पिज्जा बना रहे हैं। गार्लिक ब्रेड आप क्या बना रहे हो? गार्लिक ब्रेड बना रहे हो, ठीक है। और पिज्जा भी बनाने वाले हो? ओके पार्सल ओके थैंक यू। ठीक है सब कुछ आ गया। यहाँ पे क्रोकरी भी दी है साथ में। ये है चोकोलावा केक, इसमें है पिज्जा और इसमें है गार्लिक ब्रेड। ये सब कुछ खाना भी मेरा रेडी हो गया है। पिज्जा, चोकोलावा केक, गार्लिक ब्रेड और ये क्रोकरी भी साथ में मिली है। ठीक है, जोमेटो में जैसे मिलती है ना, लेकिन उसमें ये सब थोड़ी ना मिलता है। चलेगा। ठीक है, अभी मैं खाने वाली हूँ पहले पिज्जा। यम यम। जोमेटो के साथ हमें ये मिला है एक मेन्यू कार्ड जो कभी भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है ये जोमेटो में। आज का दिन बहुत ही बिजी रहा। दोपहर को खाना वाना सब बनाया और उसके बाद थोड़ी टाइम हम लोग जोमेटो वगैरह सब वो
आपको मैंने दिखाया वीडियो में पहले, वो सब हम खेले 2-3 घंटा, और उसके बाद फिर मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया, वो मैं शूटिंग करना भूल गई। मेरे साथ वैसा ही होता अक्सर कि मैं भूल जाती हूँ और फिर मुझे याद आता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिप्स डाल दूंगी और आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने रील्स बनाई है। तो वो सारी मैंने रील्स बनाई और अभी मैं फ्री हो गई हूँ, 7 बज गए हैं, अभी डिनर बनाऊंगी। और डिनर बनाने के बाद जो मैं डिनर बनाती हूँ उसके मैं अलग वीडियोस डालूंगी, वो आप देख सकते हैं कि मेरी रेसिपी, मतलब जो भी मैं बनाऊंगी वो चीज़ की जो रेसिपी है वो आप ही मेरे चैनल पे आप सब देख सकते हैं। और फिर डिनर करेंगे और फिर एडिटिंग करूंगी और फिर सो जाऊंगी, फिर जल्दी उठूंगी मॉर्निंग को, क्योंकि मेरी जो नींद है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है और इसकी वजह से यहाँ पे डार्क सर्कल आ जाते हैं मेरे तो फिर वो मेकअप से कवर करना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने मेकअप नहीं किया है, मैं वैसे ही हूँ बिल्कुल। तो मैं अभी डिनर बनाऊंगी और बस आज का दिन तो वैसे ही रहा। और आप मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना और मेरे शॉर्ट्स को ज़रूर देखना, आज के जो शॉर्ट्स मैंने बनाए वो ज़रूर देखना आप। और मिलते हैं कल के वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।